Assalamualaikum. Ji मेरे डायरेक्टर हैं आशा. Assalamualaikum जी, how are you? इनका निक टोनी. नाइस मीटिंग जी. मैं आपका हीरो लेके जा रहा हूँ जी, ये जब चाहिए होगा आ जाएगा. चल भी जल्दी मेरे मोबाइल पे कॉल कर दे. फिक्र ना कीजिए, जब चाहिए होगा मैं इसे पहुंचाऊंगा. और बल्कि आप लोगों को भी दावत है मेरी तरफ, डिनर आज करना है आपसे. थैंक यू. चल मैं चला गया. कितना खूबसूरत रिश्ता है. बनाने से बनता है. मेरे साथ रेकी पे चलोगी? हाँ चलो. प्लीज शाम तक का टाइम ही तो पास करना है. वो अपने ग्लासेस भूल गया. संभाल लेना. चलो. भाई कैसा लगा घर? तन्हा तन्हा. तन्हाई इस घर के कोने कोने से फूट रही है. अगर तुम्हारा फोन है तो तुम जाओगे नहीं. पता नहीं कौन फोन कर रहा है, दुबई से बोलता भी नहीं. हेलो कौन है भाई? अलीहा. ओ मिस यूएई, तो आप दुबई पहुंच गए. और आप? भाई हमने सोचा कि हम भी दुनिया देख लें, इसलिए मॉरिशियस चले हैं. बेटा सॉरी, आई विल गेट बैक टू यू. आप वासिफ तुमसे बात करना चाहता है. होल्ड पर है, मॉरिशियस में है. हेलो. हाँ कैसी हो लिया? एंड हाउ इज शांजे? शी इज फाइन. छोटा मोटा वायरल इन्फेक्शन हो गया था. तुम उसके लिए वापस आ गए? मॉरिशस कैसा मुल्क है? ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत. मैंने नहीं देखा. तुम आना चाहती हो मॉरिशस? यस. चलो ठीक है. ओके खुदा हाफिज़. अच्छा है बेटा, इस तरह तुम कुछ दिन वासिफ के साथ रहोगी. आप सुनाए कैसा है आपका नया दामाद? फुल मेरी बेटी के कंट्रोल में. अच्छा, और आपका बेटा? अरे ये भूल गया कि मेरी बेटियों को भी मेरी जरूरत है. मुझे एहसास है. देखो मेरे लिए इतना ही काफी कि तुम और फरहान बेटा इस मुश्किल घड़ी में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाए करो. इतना ही काफी. नहीं जफर, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है. या सर तुम्हारा मजीद कोई नुकसान नहीं कर सकता. तो तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन जब तक वो गिरफ्तार नहीं हो जाता उसकी तरफ से नुकसान पहुंचाने का अंदेशा तो है. नहीं नहीं तुम फिक्र ना करो, कब तक बचेगा वो? अब उसके दिन गिने जा चुके, जल्दी पकड़ा जाएगा वो. यार इरफान, मैं शैला बेटी की तरफ से बहुत परेशान हूं. एक तरफ से कारोबार का नुकसान, दूसरी तरफ शौहर की बेवफाई. वो ऐसे
कर्क में मुब्तला हो गई है कि किस तरह बाहर निकल सकती? कोई भी बाप अपनी बेटी का घर उजड़ने पर खुश नहीं रह सकता, लेकिन यासिर का शहला की जिंदगी से निकल जाना ही बेहतर है। अब तो तुम भी रियलाइज कर चुके होगे कि ये बेजोड़ रिश्ता शैला की जिंदगी में कोई खुशी नहीं ला सकता है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ओ बुढ़े, तुम अपनी बच्चियों की खुशियां अपनी आंखों से देखोगे। इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक करे, तुम्हारी इस बात ने मेरा हौसला बढ़ा दिया, मेरे अंदर एक नई रूप फूंक दी। ये हुई ना बात। वैसे इस वक्त तुम्हारा चेहरा देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि तुम दो अदद जवान बच्चियों के बाप। क्यों, ऐसा क्या है मेरे चेहरे? अरे एक तो तुम वैसे ही सुर्खों सफेद हो, और फिर उस पे तुम ये एक एक बाल चुनकर जो खजाब लगाते हो ना, उससे उम्र से छोटा नजर आने की कोशिश करते हो। अबे तुम क्यों जल रहे हो? तुम हमारी भाभी के खौफ से जो बाल नहीं रंग सकते, तो ये गुस्सा हम भी क्यों निकालते हैं? अरे मैं कोई तेरी भाभी से डरता बरता नहीं, वो तो बस मैं उसका दिल रखने के लिए अपने बालों को नहीं रंगता। वैसे भी बचत भी पैसे भी बचते हैं। दिल रखने के लिए नहीं, ये तो सिर्फ हमें दिखावा है। असल बात ये है कि कहीं भाभी शक में तुम्हें घर से बाहर ना निकाल दे। हेलो पूजा। हेलो। हेलो भाई रूहान, तुम आए तो ये भी आई, कभी इनको कभी अपने घर को देखते हैं। ये रूहान है मेरा भांजा। रूहान ये मिस पूजा, यहाँ हिंदी लैंग्वेज प्रमोशन एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है। ये उनका क्या मतलब है भाई? पूजा ऐसी होती है? आपके अनुसार पूजा कैसी होनी चाहिए? खूबसूरत, शरारती, अकलमंद। और आप समझते हैं ये गुण मुझ में नहीं? I'm sorry. Shut up, रोहन, क्या बकवास कर रहे हो? हमारी मेहमान है, आओ पूजा। लगता है आप खुद को बहुत स्मार्ट समझते हैं। मामूजान एक बात तो प्रूव हो गई। क्या? अकलमंद नहीं है, वरना ये मुझ जैसे आदमी को स्मार्ट क्यों कहती? Are you trying to insult me? इसके लिए मैं आपको पहले ही सॉरी बोल चुका हूँ। कमाल है, सच बोलने के लिए कहा जाता है और यहाँ लोग सच सुनने के लिए तैयार नहीं। अब तो सच बोलने के बजाय सिर्फ किताबों में लिखा जाना चाहिए। पूजा, 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 मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। रोहान तूने ये क्या किया, उसे नाराज कर दिया। कमाल है, नाराज वो हो रही है, आप क्यों बुरा मना रहे हैं? मामू उसका चक्कर क्या है? Shut up. मामू, मामू कोई ना कोई चक्कर जरूर है, और मैं तो सिर्फ ये चेक करने के लिए सब कर रहा था। और मामू भूलिएगा नहीं 10 रुपए वाला ब्राइट जिसमें स्टेन मैग्नेट की ताकत होती है। जी फरमाइए। वो दे दें वॉशिंग पाउडर, स्टेन मैग्नेट की ताकत वाला नया ब्राइट। हाँ 10 रुपए वाला ब्राइट जो खानदान भर के कपड़े धोता है। 10 रुपए वाला। काश रोहान साथ होता,
कितना अच्छा मंजर है ना? जोया हर वक्त रोहान, हर वक्त रोहान, हम भी तो तुम्हारे साथ हैं। सॉरी, ये मतलब नहीं था। चलो जाओ फिर एंजॉय करो और तसव्वुर करो कि रोहान तुम्हारे साथ है। अच्छा चोरी, ये मेरी चीजें पकड़ो, मैं जरा व्यू करके आती हूँ। मैं डायरेक्टर हूँ। क्या हो गया थोड़ी सी देर के लिए? मुझे डुबो के मारने की कोशिश की। देखा कौन था वो? मैं देखी नहीं। आओ मेरे साथ आओ। आ जाओ।